हाय एवरीवन, वेलकम बैक एट टेक्निकल एनालिसिस वर्ल्ड। आज हम अमेजिंग चीज सीखने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा टिल द एंड। ऐसा तो मैं नहीं कह सकता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो व्यूअर ऑल्सो, और मैं भी किसी चैनल का सब्सक्राइबर हूँ, पर मुझे पक्का भरोसा है कि आप ट्राई करेंगे टिल द एंड, क्योंकि कुछ ना कुछ सीखना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन पर क्लिक, मैंने तो कर ही दिया है, आपने भी कर दिया होगा। तो अभी देखते हैं वीकली मार्केट अपडेट में आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, सप्लाई वर्सेस डिमांड, या फिर कह सकते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस। कहीं भी एनालिस्ट और ट्रेडर को आपने सुना होगा ये वर्ड कहते हुए कि इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, इसका स्ट्रक्चर वीक है। तो कई बार तो आइडिया भी नहीं आता है कि व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ओके, तो हमें पता ही नहीं चलता है, तो दिक्कत यह है कि वो है क्या स्ट्रक्चर। तो चलिए आज मैं सिखाता हूँ आपको। जैसे कि एक बिल्डिंग बनाने के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, ओके, उसका स्ट्रक्चर कहते हैं ना एक बिल्डिंग का, सेम वे यहाँ पे स्टॉक्स का जो प्राइस है, जो डेटाज है, उससे बनता है स्ट्रक्चर। तो चलिए करते हैं शुरू स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर के साथ सप्लाई डिमांड का टॉपिक फ्री। ओके, तो चलिए अभी बात ये आती है, वन मोर थिंग, ये टॉपिक जो हमारा रहेगा वीकली मार्केट अपडेट, उसमें सेंटर में रहेंगे 3 to 4 स्टॉक्स जिसके लिए लोग उसके पीछे दौड़ते हैं, जिसमें नंबर वन है यस बैंक, सेकंड पे रहेगा वोडाफोन आइडिया, थर्ड पे फ्यूचर रिटेल और वो सब तो आ ही जाएंगे, और फोर्थ पे टाटा मोटर्स जो अभी ट्रेंडिंग है। तो फ्रेंड्स, ये गलती कभी नहीं करनी है स्टॉक से पीछे दौड़ना। अभी रेल विकास निगम जो है उसके पीछे कोई दौड़ भी नहीं रहा है, अभी थोड़े बहुत एंटर हो चुके हैं पर निकल जाते हैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट में, या थोड़ा बहुत लॉस करके, या फिर अपना प्राइस आने पे निकल जाते हैं। बट राइट एंट्री सस्ते में लेना वो राइट एंट्री नहीं है, लेने के बाद स्मूथली शेयर चलना चाहिए, वो सेलिंग प्रेशर फेस ना करे वैसे लेवल पे लेना चाहिए। यही RVNL हमारा जो एंट्री लेवल फॉर पेपर ट्रेडिंग जो आ रहा है वो 35.55 पे आ रहा है फॉर द नेक्स्ट वीक, तो किसी का 50 रुपीज पे भी आए, हो सकता है कि हम 35.55 में एंटर होके और पेपर ट्रेडिंग, और हम एग्जिट करते हैं 45 में, और हो सकता है कोई और बंदा 48 में एंटर होके 200 में बेचे। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो सस्ते में खरीदेगा वही ज़्यादा कमाएगा, ठीक है। दिस इज़ द मार्केट, यहाँ पे पूरा अलग काम होता है दोस्तों, लिमिट यहाँ पे सब फोर्टिफिकेशन हमें खुले छोड़ देने पड़ते हैं माइंड के, उसके बाहर सोचना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं, सबसे पहले RVNL। तो RVNL का स्ट्रक्चर कुछ नहीं है, इट्स अ कॉपी ऑफ TCS और MRL, और एक यहाँ पे और एक कॉट है, राइट, एक फ्रेज है मार्केट में, नथिंग हैपन्स न्यू इन दिस मार्केट। ओके, नया कुछ नहीं होता है, सिर्फ स्टॉक के नाम चेंज होते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल वे में, हम फंडामेंटल फिलहाल आज के टॉपिक में उसको साइड पे रख रहे हैं, यहाँ पे स्टॉक का नाम बाद में देखना है, सबसे पहले उसका स्ट्रक्चर देखना है। तो चलिए देखते हैं, तो RVNL वीकली चार्ट में आपको दिखेगा, लास्ट वीक में वी गॉट द ब्रेकआउट, एक क्लोज ऊपर दिया, कई लोगों ने एंट्री ले ली क्योंकि इसके टारगेट तो मार्केट में जैसे ही टॉप गेनर में आते हैं, आपको अभी तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा कि जैसे ही ये 30, ये इस दिन कुछ बहुत अच्छा खासा बढ़ा था 30, ये वीक में पूरा 32.85 के आसपास तक, राइट, तो इसका 100 रुपीज़ टारगेट, कोई कहता है 200, कोई ले भी लेते हैं लोग ये टारगेट के लिए, पर कुछ नहीं, फिर फंसते हैं और वापस प्राइस आता है तो निकल जाता है। तो वो गलती हमें नहीं करनी है, जब भी आपको टॉप गेनर में कोई स्टॉक दिखे या कोई आपको बताए तो सबसे पहले देखिए कि उसमें क्या सिचुएशन है, और ये सिचुएशन हो तो देखते हैं, ये उसका लाइफ टाइम है जो यहाँ पे ये वीक में ब्रेक हुआ। दूसरी बात, आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर भी दिखेगा, ब्रेक होने के बाद ये वीक में थोड़ा जो गिरा है, कई लोग होंगे जिन्होंने ये वीक में 35.55 में खरीदा होगा, और नेक्स्ट वीक में जब भी वापिस जब ब्रेकआउट आएगा वो 35.55, तो वो प्राइस टू प्राइस निकल जाते हैं, 99.99% प्राइस टू प्राइस की ही वेट करते हैं। दिस इज द बिटर ट्रूथ अबाउट द मार्केट, तो वो चीज़ हमें नहीं करनी है। जब भी आप एंटर होते हो तो उसका लास्ट कैंडल रेड होना चाहिए, यानी ये रेड या फिर रिएक्शन, मीन्स रेड नहीं रिएक्शन, यानी ये वीक का जो क्लोज था इट वॉज 33.25 एंड करंट वीक क्लोज इज 31.55। तो नेक्स्ट वीक इफ इट ब्रेक्स द 35.55 तो उसके बाद एक अच्छा ब्रेकआउट इसमें आ सकता है। तो स्ट्रक्चर इसका बहुत पॉजिटिव है, स्ट्रक्चर इसलिए पॉजिटिव है दोस्तों, अभी सप्लाई डिमांड की बात कर दूं तो 35.55 इट्स अ लाइफ टाइम हाई, वैसे बहुत कम डेटा है हमारे पास, बट इट्स ओके, जो
कहना तो पड़ेगा ना हमें, तो 35.55 के ऊपर कोई ट्रेड ही नहीं गिरा है तो सेलिंग प्रेशर कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत स्मूथ है और 35.55 के ऊपर सेलिंग प्रेशर आने की गुंजाइश कम है, गारंटी मैं तो नहीं देता हूँ बिकॉज आई नो माई लिमिटेशन, राइट। मार्केट की कोई लिमिटेशन नहीं है बट आई नो माई लिमिटेशन, गारंटी है 35.55 तोड़ेगा तो 200 हो जाएगा, मैं कभी नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे पता है कि अच्छे से अच्छा ब्रेकआउट भी फेल हो सकता है, इसीलिए ऑलवेज ट्रेड विद द स्टॉप लॉस। जैसे ही 35.55 क्रॉस होता है, एंड दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज फिर, क्योंकि कई लोग 10,000 1 लाख क्वांटिटी यूं ही कर लेते हैं, लॉस तो पहले गिनते नहीं है, तो इसीलिए मुझे बार बार कहना पड़ता है कि दिस इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पज और रियली सीखना है दोस्तों। तो जैसे ही 35.55 क्रॉस होता है, ये है हमारा ब्रेकआउट लेवल और स्टॉप लॉस आपको पता ही है दोस्तों, द लो ऑफ द डीएक्शन कैंडल, राइट, वो बनेगा हमारा स्टॉप लॉस, राइट फ्रेंड्स। सो दिस इज अबाउट द आरवीएनएल। और रही बात दूसरे स्टॉक के स्ट्रक्चर की, तो वो भी हम देख लेते हैं। रेल विकास निगम लिमिटेड है, और दूसरी बात फ्रेंड्स हमारी एंट्री प्राइस रहेगी फॉर पेपर ट्रेडिंग 35.55, राइट, और इसका जो लो है 30.30, दैट विल बी अवर स्टॉप लॉस। तो 35.55 माइनस 30.30 वो जो लॉस पर ट्रेड आपका बनेगा, सपोज यू कैन बेयर, यू कैन अफोर्ड 1000 रुपीज लॉस पर ट्रेड, देन क्वांटिटी आपकी रहेगी 1000 डिवाइडेड बाई 35.55 माइनस 30.30, वो डिफरेंस जो रहेगा दैट विल बी योर क्वांटिटी, जिससे क्या होगा अगर स्टॉप लॉस होता भी है तो कोई डरने की बात नहीं है, आपका जो लॉस पर ट्रेड फिक्स किया है उतना ही जाएगा। फिर रही बात उसके एक्सटेंड करने की, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और वन मोर थिंग दोस्तों, आज भी मार्केट गिरा पर यूपीएल हमें जो मिला था 2 हफ्ते पहले वीकली मार्केट अपडेट में ही, तो आप देखिए आज मार्केट गिरा पर वो तो बढ़ ही रहा था, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, स्टॉक स्पेसिफिक जाइए, निफ्टी को मत देखिए। अभी यूपीएल निफ्टी 50 में था, उसके बावजूद भी आज मार्केट गिरने के बाद वो बढ़ा है, तो कई लोग क्या करते हैं यूपीएल को भी बेच दिया क्योंकि मार्केट गिर रहा है, पर यूपीएल तो अच्छा ऊपर जा रहा है। क्योंकि हर बंदे की अलग अलग स्टोरी है, जैसे कि माय लाइफ इज़ डिफरेंट फ्रॉम यू दोस्तों, और आपकी लाइफ मुझसे अलग है, सेम है यहाँ पर, हर स्टॉक की भी स्टोरी अलग अलग होती है, ठीक है। तो स्टॉक स्पेसिफिक जरूर जाइएगा, वरना फिर हम क्या कहते हैं, थोड़ा गिरने के बाद बढ़ जाता है, अरे लोगों को डरा दिया और निकल गया, ऐसा नहीं होता है, कोई डरने की बात नहीं, जस्ट कीप द स्टॉप लॉस। अभी मान लो यहाँ से जनरेट होता है, फिर कुछ नहीं करना है, एवरी वीक रिवाइज द स्टॉप लॉस फ्रॉम दिस लो, योर न्यू स्टॉप लॉस विल बी दिस लो, राइट। इफ यू वॉन्ट टू अर्न मोर मनी, मार्केट वॉन्ट्स टू गिव यू मोर प्रॉफिट, बट आर यू रेडी टू गेट इट, क्योंकि हम तैयारी नहीं है। जो कौन बनेगा करोड़पति में भी यही होता था दोस्तों, कोई अपनी नीड के हिसाब से निकल जाता था, क्विट कर देता था गेम से, राइट। तो यहाँ पे हमारी नीड क्या है वो मार्केट को पता नहीं है, ठीक है। और वन मोर थिंग बता दूँ, अभी एंट्री एग्जिट सब क्लियर हुआ, यहाँ से जो चीज़ है अमेजिंग चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, ऐसे ब्रेकआउट बार बार नहीं आते हैं, ये वाला मैं हाइड ये सब निकल देता हूँ, चैनल को ऊपर की तरफ ब्रेक करना, चैनल के अंदर कई बार प्राइस मूव होता है पर ये जो चैनल है उसको ब्रेक किया है और रिएक्शन दिया है, यानी इट हैज एंटर्ड इनटू द स्मूथ अपट्रेंड जोन, दिस इज कॉल्ड एनालिसिस, दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एनालिसिस, राइट। सप्लाई डिमांड की बात करूं तो मैंने आपको बताया 35.55 के ऊपर तो अभी फिलहाल खुला आसमान है, स्काई इज द लिमिट, फिर हम पे डिपेंड करता है कि हाउ मच वी कैन डाइजेस्ट, ओके। तो डाइजेस्ट करना है दोस्तों, ठीक है, राइट। तो स्टॉप लॉस डिवाइस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड ऑफ द वर्ल्ड एंड नेवर फोकस ऑन द एक्यूरेसी, ओके दोस्तों। तो चलिए अभी चलते हैं यस बैंक पे, आरबीएनएल का स्ट्रक्चर देख लिया, यस बैंक का स्ट्रक्चर भी देखिए, मैं मना नहीं करूंगा उसमें भी एक ब्रेकआउट है, पर दिक्कत क्या आती है, ये सब में लोग फंसे हुए हैं, ओके। कोई एक साल से फंसा हुआ है, कोई 6 महीने से फंसा हुआ है, कोई 3 महीने से फंसा हुआ है, और दिक्कत ये होती है जो फंसे हुए लोग होते हैं वो इसमें सेलिंग, कहीं से भी सेलिंग प्रेशर आ सकता है बड़ी क्वांटिटी में, क्योंकि वो लोग डर चुके होते हैं, अपने प्राइस आने पे निकलने की ट्राई करते हैं, क्योंकि उनका यस बैंक फंसा हुआ है यहाँ कहीं पे 20 रुपीज में, राइट। मान लीजिए 13 जुलाई 2020 को हमने और बाकी के ये गिर रहा है और बाकी के शेयर डबल हो गए, 3 टाइम्स हो गए, तो हमारा अटेंशन वहाँ पे जाता है,
और हम क्या करेंगे, जब राइट टाइम पे ये ब्रेकआउट आएगा तो हम वहाँ पे प्राइस टू प्राइस निकल जाते हैं। यस बैंक की रही बात तो उसमें ब्रेकआउट है 20.75 के ऊपर, राइट। पर मैंने बता दिया स्मूथ स्ट्रक्चर क्या है यस बैंक में, यहाँ पे फुल सप्लाई के चांसेस है, RBNL में नहीं है। हाँ, RBNL में और यस बैंक में जो भी स्टॉक में डिस्कस कर रहा हूँ, जो अगर फ्यूचर एंड ऑप्शन में नहीं है तो ध्यान में रखिएगा कि कभी भी जब सेलर सर्किट लगती है तो स्टॉप लॉस करने का मौका नहीं मिलता है, वो रिस्क हमेशा ऑलवेज याद रखिएगा, भले ही आप पेपर ट्रेडिंग करो, ठीक है। क्योंकि मैं ज़्यादातर F&O ग्रुप के बाहर एडवाइजेबल नहीं मानता हूँ, जो चीज़ आज टाटा मेटालिक में और बहुत सारे स्टॉक्स में बायर सर्किट लगी थी, टाटा मेटालिक है, फिर MSTC है, ओके, तो उसमें क्या अगर आपने शॉर्ट कर दिया तो कवर नहीं होता है। तो सेम वे अगर आपने किसी शेयर में सेलर सर्किट लगी है तो आपको स्टॉप लॉस हो जाएगा पर बेच नहीं पाओगे, ठीक है। तो FO ग्रुप में सेलर सर्किट बायर सर्किट लगती है पर वापस ओपन होती है। तो ये रहा यस बैंक का एनालिसिस। तो इसके लिए लेवल है ये वाला 20.75 पर, मैंने बता दिया यस बैंक वर्सेस RBNL, टाटा मोटर्स। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं दोस्तों कि कोई स्टॉक बढ़े तो हर स्टॉक में हमें एंट्री मिले, चार्ट पे मिले। कई लोग फोर्सफुली नई ट्रेडिंग प्लान डेवलप कर देते हैं कि भाई टाटा मोटर में चलो कोई सिस्टम बना देते हैं इतना बड़ा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। रही बात टाटा मोटर की, तो उसमें भी एक रिएक्शन की बहुत ज़रूरत है, पर मैंने आपको बता दिया कि पास में जो फंसे हुए लोग हैं वो इसमें आ जाएंगे। अभी ये देखिए, ये वीकली पे ये ब्रेकआउट, ये तो पुराना लेवल है उसे निकाल देता हूँ, यहाँ पे ब्रेकआउट सेम RBNL जैसा ही है, पर यहाँ पे वी नीड वन रिएक्शन फॉर द नेक्स्ट वीक, ओके। क्योंकि रिएक्शन जब लेगा तब पता नहीं है कि वो रिएक्शन ही है या नया फॉल है, इसीलिए वेट फॉर द रिएक्शन, उसके बाद नेक्स्ट वीक में देखेंगे अगर एंट्री आती है। पर टाटा मोटर्स में भी ये सब लेवल है जहाँ कहीं से भी कौन छुपा हुआ है वी डोंट नो, राइट। जब RBNL में वो चीज़ नहीं है, ओके। बाकी के स्टॉक्स आपको होमवर्क के लिए दोस्तों, फ्यूचर रिटेल है या जो भी आपका, जो कई लोग उसको इस पीछे दौड़ते हैं वैसे सब स्टॉक्स, ठीक है। तो दोस्तों क्लियर हुआ नेक्स्ट वीक के लिए, दिस इज द बेस्ट वीकली मार्केट अपडेट जिसमें बहुत सारा चीज़ हमने आपको डिलीवर किया, और अभी ये चीज़ आपको किसी और को डिलीवर करना है, राइट, क्योंकि उसका फिर मतलब नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि किसी और को भी स्प्रेड हो तो अच्छी बात है, कोरोना कैसे स्प्रेड होता है, राइट। तो कोरोना इट्स नॉट अ गुड थिंग, राइट, बट उसके लेसन अच्छे हैं। सेम वे ये तो हम अच्छी चीज़ आपके साथ डिलीवर कर रहे हैं, तो ये तो हम स्प्रेड ज़रूर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।